आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कुक्षी विधानसभा में चुनावी समर देखने को मिलेगा। यहाँ पर पिछले 10 सालों से सुरेंद्र सिंह हनी बघेल कांग्रेस के विधायक है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि जनता को अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाए। इसको लेकर गायत्री सरोवर पर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने बताया है कि डूब प्रभावितों को लाभ दिलाने के प्रयास भी किए जाएंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल से खास चर्चा की हमारे संवाददाता उपेंद्र कुमावत ने। 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज हम कुक्षी विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी से चर्चा करेंगे कि कुक्षी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं, साथ ही कुक्षी विधानसभा के लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है कुक्षी से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कुक्षी विधानसभा में लगातार दो बार ये विजय घोषित रहे हैं, कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, नर्मदा घाटी एवं पर्यटन विभाग के, तो हम इनसे जुड़े हुए भी प्रश्न इनसे करेंगे। इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का इनका कार्यकाल इन 10 सालों में रहा है। विधायक जी नमस्कार। कुक्षी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी आपकी ओर से चल रही है? देखिए, कुक्षी विधानसभा की तैयारी कुक्षी विधानसभा के कार्यकर्ता कर रहे हैं और कुक्षी की जनता को मुझ पर भरोसा है और कार्यकर्ता मेरी ताकत है। और जिस दिन से मैं चुनाव जीता, दूसरी बार मुझे कांग्रेस पार्टी ने मुझे अवसर दिया, मंत्री भी बनाया, पहले ही दिन से मैं तैयारी में जुट जाता हूं और हर प्रयास ये करता हूं कि लोगों के बीच में रहूं, लोगों के हर सुख दुख में उनके बीच में खड़ा रहूं। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, सत्ता में रह के भी पूरा प्रयास किया कि मैं बड़ी योजनाएं कुक्षी को दूं, और विपक्ष में था तब भी पूरा प्रयास किया मैं कुक्षी के लोगों को, कुक्षी की जनता को लड़के संघर्ष करके कुछ ना कुछ इस क्षेत्र में दूं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है और इन 10 वर्षों में जब बीजेपी की सरकार रही है तो आपको अपने कार्य करने में कोई दिक्कतें आई है, और विधानसभा में आपने इन 10 वर्षों में बीजेपी की सरकार रहते हुए क्या क्या सौगातें दी है और क्या क्या कार्य किए हैं विधानसभा के लिए? लगभग 10 वर्ष होने को आए हैं मुझे विधायक कुक्षी के बने हुए। इन 10 वर्षों में 15 महीने हमारी कांग्रेस की सरकार रही। जब विपक्ष में थे तब भी प्रयास करके बहुत सारे गांवों में, बहुत सारे हमारे कुक्षी विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पे पूरा प्रयास किया विपक्ष में रहते हुए भी। पर जब सत्ता मिली और मुझे अवसर मिला कि मैं मंत्री के रूप में कुक्षी की जनता को कुछ समर्पित कर पाऊं, कुक्षी की जनता की सबसे बड़ी मांग जो है वो थी सिंचाई को लेके, और विभाग भी ऐसा मिला, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण। बहुत सारे गांव, बहुत सारे खेत बहुत सिंचाई से वंचित थे। मैंने दो उद्वहन सिंचाई योजना कुक्षी की जनता को दी, एक तो कुक्षी उद्वहन सिंचाई योजना और एक दही उद्वहन सिंचाई योजना। दही उद्वहन सिंचाई योजना लगभग 1100 करोड़ की है और कुक्षी उद्वहन योजना लगभग 2100 करोड़ की है। तो मेरे कार्यकाल की एक बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है कि उन 15 महीनों में मैंने ये योजना कुक्षी की जनता को दी। देख रहे हैं आप कि काम शुरू हो चुका है दही उद्वहन सिंचाई योजना का, और कुक्षी उद्वहन सिंचाई योजना का भी प्रावधान और स्वीकृति मेरे कार्यकाल में मैं दे चुका था और मैं समझता हूँ उसका भी टेंडर जल्दी लगने वाला है। जब ये काम मूल रूप ले लेगा, कुक्षी के हर खेत, हर गांव, हर तालाब, हर नदी नाले में 12 ही महीने 24 घंटे पानी उपलब्ध रहेगा। उसी तरह गायत्री सरोवर जो कुक्षी की शान है, जिसमें भावनात्मक रूप से कुक्षी की जनता जुड़ी हुई है, लगभग मैंने 3 करोड़ रुपए का पर्यटन विभाग से वहां पर स्वीकृति दी, आज काम होके तैयार हो चुका है। मेघनाथ घाट जो परिक्रमावासी हमारे क्षेत्र में कुक्षी में आते हैं, रुकने की उनकी समस्या थी, रुकने का उनको कठिनाई होती थी, तो वहां पे भी 3 करोड़ के आसपास का मैंने वहां पे भवन बनवाया। उसी तरह से मेघनाथ घाट के आसपास की जमीन जो सरकारी जमीन थी, उस जमीन को पर्यटन विभाग ने अधिकृत करा और वहां पे हम क्रूज चालू करने का मैंने प्रस्ताव रखा था कि यहाँ से क्रूज चले और स्टैच्यू जो है अपना गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहां तक वो क्रूज चले।
उसकी रूपरेखा पूरी तैयार कर ली गई थी, मेरे समय पे उसकी स्वीकृति थी। अब मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में अभी जो सरकार है उनको इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि पर्यटक क्षेत्र के रूप में कुक्षित विकसित होने जा रहा है। तो जल्दी मैं समझता हूँ क्रूज का भी मेरे ख्याल से प्रक्रिया में आके क्रूज भी जल्दी आने वाले समय में चालू होगा। कुक्षी विधानसभा में एक निसरपुर ब्लॉक है, दही ब्लॉक है, जो कि डूब क्षेत्र के दायरे में आते हैं। तो अभी तक डूब क्षेत्र में जो भी कार्य हुए हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे परिवार है जो पैकेज से वंचित है, जो अपने पुनर्वास को लेकर 5,80,000 रुपए की एक राशि है उससे वंचित है। किसी को भूखंड मिला है, किसी को भूखंड मिलने के बाद भी राशि नहीं मिली है। तो इन सब पे आप 15 माह कैबिनेट मंत्री रहे हैं नर्मदा घाटी के, तो क्या आपके द्वारा कार्य किए गए हैं, और अगर आप फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो डूब क्षेत्र के बासिंदों के लिए आप क्या कर पाएंगे और क्या करना चाहेंगे? देखिए, विगत 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस दौरान, इस बीच में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और मुझे पर्यटन के साथ में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मंत्री के रूप में भी मुझे काम करने का अवसर मिला। मेरी प्राथमिकता डूब प्रभावित थे। जैसे ही सरकार बनी, संयुक्त रूप से मैंने हमारे NVDA के अधिकारी, प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के और विधानसभा स्तर के सभी अधिकारियों के साथ में जो डूब प्रभावित हैं, जो आंदोलनकारी, जो विगत इतने वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन उनका, डूब प्रभावित के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ में संयुक्त रूप से बैठक रखी, एक निर्णय लिया, एक लाइन हमने बनाई कि किस तरह से हमको काम करना है, और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़े। हमने सभी डूब क्षेत्रों का दौरा किया, मैं स्वयं गया, हमारे NVDA के सभी वरिष्ठ अधिकारी गए, और हमने स्पॉट पे जाके देखा कि वास्तविक की स्थिति क्या है। 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने तो सबको डूब से प्रभावित से बाहर कर दिया, कैफियत लगा दी, लोगों पे केस लगा दिए, जिसने जहां अपनी बात रखने का प्रयास किया उस आंदोलन के माध्यम से उनको दबाने का प्रयास किया। हम लोग लोगों के बीच में गए, उनकी समस्याओं को देखा और एक रूपरेखा तैयार करके हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ गए थे। काफी प्रयास करके हमने वापस सर्वे करवाया, जो लोग डूब से बाहर थे उनको, क्योंकि मैं खुद देख के आया कि डूब से प्रभावित है, तो उनको डूब प्रभावित के जो नियम अनुसार, जो उनको प्रावधान अनुसार जो उनको राशि मिलना थी, उनको उस क्राइटेरिया में लाए। बहुत सारे लोगों पे कैफियत लगा दी, कैफियत बहुत लोगों की गलत लग गई थी, उनका वापस सर्वे करके उनको हटाया। पहले जो राशि मिलती थी 5-80 टुकड़े में मिलती थी, हमने एक मुश्त राशि लगभग 700-750 डूब प्रभावितों के खाते में डलवा दी। बहुत सालों के पट्टे के विवाद आ रहे थे, किसी को कहाँ पट्टा दे दिया गया, किसी को कहाँ दे दिया गया, उन लोगों से भी चर्चा करके, उनके कहे अनुसार और लोगों से चर्चा करके उनको समन्वय में बैठा के उनको व्यवस्थित पट्टे कराए गए। बहुत सारी जमीनें टापू बन गई थी, आने जाने का रास्ता बंद हो चुका था, पर उसको डूब से बाहर कर दिया, तब आने जाने का रास्ता नहीं बने बचेगा, तो उसको डूब में रखना चाहिए। तो वो प्रावधान भी हम लेके आए कि इनको डूब प्रभावित मांग के उनको जमीन का मुआवजा दे दिया जाए, और अगर संभव हो तो वहां के कनेक्टिविटी बना दी जाए। इस तरह से बहुत सारे काम हम लोग डूब प्रभावितों के लिए करना चाहते हैं। GRA में जो केस बने थे, बहुत सारे पेंडेंसी थी, कहीं कर्मचारियों की वजह से, कहीं अधिकारियों की वजह से, कहीं GRA में जो केस चल रहे हैं वहां पे हमारी कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी लोगों को थी, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा रास्ता निकाल रहे थे कि GRA भी कम से कम महीने में एक बार उस डूब प्रभावित क्षेत्र के NVDA के ऑफिस में आके बैठे, ताकि लोगों की सुनवाई यहीं पे हो सके। दिन दिन भर लोग इंदौर जाते, भोपाल जाते, हम लोग व्यवस्था करने में लगे थे, पर समय मुझे 15 महीने का मिला, उसमें से 3 महीने तो आचार संहिता में चले गए लोकसभा की, 2 महीने विधानसभा चुनाव में चले गए। तो 10 वर्षों में मैं जो कर सकता था मेरा प्रयास था कि मैंने किया। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि सरकार हमारी 15 महीने की, हमने सोचा 5 साल रहेंगे तो हम लोग पूरा काम डूब प्रभावित को कर चुके होते, पर आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापस आएगी और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारे अधूरे काम है डूब प्रभावित संबंधित, हम पूरे उसको करेंगे। उक्षी विधानसभा में एक चर्चाओं का दौर है कि जयेश ने अभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो अगर कुक्षी विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो क्या समीकरण बनेंगे, इसका असर क्या कांग्रेस पर किसी प्रकार का पड़ेगा?
देखिए, जेएस के जो हमारे संरक्षक हैं, मनावर से हमारे विधायक हैं हीरा लावा जी, और मैं समझता हूँ वो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। विगत 5 वर्षों में मनावर में उन्होंने अच्छा काम किया, और चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये आगे का विषय है। जब लीडरशिप से वो बात करेंगे, बैठेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में, तो कहीं ना कहीं ऐसा सकारात्मक निर्णय वो लेंगे। कांग्रेस और वो दोनों मिलके हम आगे, जो उनकी भी लड़ाई आदिवासियों के लिए और हमारी भी लड़ाई आदिवासी समाज के लिए है, तो दोनों जब एक ही लक्ष्य दोनों का, तो कहीं मैं समझता नहीं हूँ कि हम अलग अलग होके लड़ेंगे, साथ में मिलके हम लोग लड़ने वाले हैं। और जहां तक आपने त्रिकोणीय संघर्ष का आपने बात की है, कुक्षी में पिछली बार भी अन्य दलों से बहुत सारे लोग लड़े थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, और आगे भी राजनीतिक क्षेत्र है, लोग चुनाव लड़ेंगे, तो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनको नहीं लड़ना चाहिए। वो चुनाव लड़ेंगे तो हमारी भी तैयारी है, चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं जयेश के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। तो अगर स्वतंत्र रूप से लड़ते हैं और कुक्षी विधानसभा में अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, तो क्या सामंजस्य बनाकर केवल दो बीजेपी और कांग्रेस ही लड़ेंगे कि जयेश भी लड़ेंगे? जयेश क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, इसके बारे में मैं तो नहीं कह सकता, पर हमारी कांग्रेस पार्टी से तो मैं लड़ता हूँ, बीजेपी से जो एक लड़ेंगे वो होंगे। तो कुक्षी विधानसभा का जो आज का माहौल है, उस हिसाब से क्या कुक्षी विधानसभा का चुनाव इस बार टफ हो सकता है, क्रिटिकल हो सकता है? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ये बात कौन कह रहा है कि कुक्षी विधानसभा का क्रिटिकल होगा, टफ होगा। मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, वर्तमान विधायक थे बीजेपी के, खुद लड़े थे, 16,000 से जीते बीजेपी से, मैं लड़ा 45,000 से, हराया मैंने उनको, 45 और 16 आप जोड़ लीजिए कितने होते हैं। दूसरी बार मैं कांग्रेस के व्यक्ति को ले जाके बीजेपी से लड़ाया, 63,000 से हारे। अब जिसको भी लड़ना है लड़े, पर मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कितने भी धोड़ाबाजी कर लें, प्रशासनिक अमले का कितना भी इस्तेमाल कर लें, 80,000 के पार से हारेंगे बीजेपी वाले इस बार वापस। ये थे हमारे साथ कुक्षी विधानसभा से 2 बार के विजयी विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी, जिन्होंने एमपी न्यूज टीवी से काफी सार्थक चर्चा की है, और हम एमपी न्यूज टीवी की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे।